रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube फैमिली सुनाए कैसे अल्लाह के फजल करम से हम ठीक है। यहाँ पे आए, पंप पे मोटरसाइकिल पंचर हो गया था, तो ये छोटे छोटे बच्चे बैठे थे यहाँ पे, इनको टायर खोलना नहीं आता था। मैं खुद ही खोल रहा हूँ अभी, टायर अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुका। ये देखे बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टायर खोल चुका है। मुश्किल होती है टायर खोलने की। ये मैंने खोल लिया, अभी पंचर लगाता हूँ। ये टायर खुल चुका है, अभी इसमें मैं हवा डालता हूँ। बहुत ज्यादा बादल बन चुके हैं, बारिश का इम्कान है। ये पंचर निकला एक, तो मैं अभी इसको यहाँ पे पंचर लगाता हूँ। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, पंचर वाला था कोई नहीं। जाना था सुबह सुबह के टाइम है, लेकिन मोटरसाइकिल पंचर हो चुका है, तो मैंने अभी खो दिया। लेकिन मुश्किल भी है, काफ़ी बादल भी बन चुके, मौसम चेंज बहुत ठंडा हो गया माशाल्लाह। लेकिन ये पंचर लगाना मजबूरी थी। पंचर लग चुका है, ये देखें माशाल्लाह मैं पंचर लगा दिया। आप जब भी पंचर लाया पक्का पंचर ही लाया। माशाल्लाह देखे, बारिश भी आई है, बादल भी आए हैं, लेकिन मैं मुकम्मल ये गिल्ला हो चुका हूँ, कपड़े सारे गिल्ले हो चुके हैं। पहले पंचर हो गया था मोटरसाइकिल, वो आप लोगों को दिखाया, पंचर खुद लगा रहा था, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पंचर लगाना नहीं आता था, तो मैंने सोचा खुद ही लगाते हैं, लेकिन पंचर लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को स्कूल से लेट हो गई, उनको स्कूल छोड़ा, और फिर मैं अपनी मवेशी मंडी जो है अपने तहसील की वहाँ गया, तो वहाँ से आज ये एक बकरी मैं लेकर आया छोटी, यानी कि बकरी पूरी नहीं है, लेकिन जो फीमेल है पठ जिसको कहते हैं पंजाबी में, वैसे वो है, लेकिन माशाल्लाह सही सेहतमंद है, अच्छी नस्ल की है, अच्छी ब्रीड की है ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैसे भी थोड़ा शौक़ किया हुआ है, और बहुत मुझे ये इसकी कलर अच्छा लगा है, बहुत अच्छा इसके नाक कान, और माशाल्लाह बहुत अच्छी नस्ल की मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा भाई चलो ये ले लेते हैं, इंशाल्लाह कल को बड़ी बकरी बन जाएगी, दूसरी बकरियों के साथ मिलेगी। तो ये मैं आज ये मंडी से लेकर आया हूँ, लेकिन अभी ये बारिश पूरी जो हमारे पास हुई है, ये मैंने पैरी यानी कि जो है बारिश अपने ऊपर ली है, अल्लाह पाक की तरफ से रहमत थी, अल्लाह पाक की रहमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये लेकर बकरी बहुत मुतमिन हूँ। मैं बकरी आपको थोड़ी सी चला कर दिखाता हूँ, और आप लोगों ने बताना है मुझे कि ये कैसी है। माशाल्लाह थोड़ी सी बारिश की वजह से ना घबराई खड़ी है बेचारी, नीचे ज़मीन भी गिली है, ऊपर से वैसे भी खुद भी वो गिली हुई है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है, बहुत अच्छा। ये शेरा प्रिंट इसको कहते हैं, जिसमें शेरा प्रिंट में है, ये शीना कलर पंजाबी में कहते हैं, शीना पंजाबी में कहते हैं, वैसे शेरा प्रिंट में है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाक का नकौर देखें, ये बहुत खूबसूरत है, सींगों की बनावट अच्छी है, कान अच्छे हैं, और ये देखें ये इसके नीचे झालर से बनी हुई है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, माशाल्लाह ऐसे लगता है जैसे बकरा, लेकिन बकरी है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसको इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से अमर होगा, और ये इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, तैयार हो जाएगी, तो
तो इंशाल्लाह मेरा दावा है, मैं यकीन से कहता हूँ, दावा नहीं करता, दावे अल्लाह को नापसंद है, यकीन होना चाहिए। और मैं यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह ये 70-80 हज़ार रुपये की एक बकरी बनेगी इंशाल्लाह। ये आज के दिन की मेरी रूटीन थी, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और करते रहेंगे। यानी कि हमारा जो व्लॉग का चैनल है, रेसिपीज़ का चैनल है, ये तो एक ऑलरेडी जो बिज़नेस के लेवल की थी, ये कारोबारी लेवल की थी, ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह।